इंडियन आर्मी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर कार्यवाही करने को तैयार है, इसके लिए बस सरकार के आदेश का इंतजार है। ये बातें सेना के उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कही है। उन्होंने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, भारत सरकार जब भी आदेश देगी सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री ड्रे पर जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा था, हमारा मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को दोबारा हासिल करना है। सरकार 22 फरवरी 1994 को संसद में सर्वसम्मत से पारित प्रस्ताव को लागू करना चाहती थी, जिससे भारत से छीने गए गिलगित और बल्टिस्तान जैसे शेष हिस्सों को पाकिस्तान से हासिल किया जा सके। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि भारत में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर करीब 160 आतंकी मौजूद हैं। हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। पीर पंजाल के उत्तर में 130 और पीर पंजाल के दक्षिण में 30 आतंकी मौजूद हैं। पूरे भीतरी इलाकों में कुल 82 पाकिस्तानी आतंकवादी और 53 स्थानीय आतंकवादी बैठे हैं। यह पहली बार नहीं है जब सेना ने पीओके को वापस लेने पर बयान दिया है। द्विवेदी के बयान से पहले इन्फेंट्री डे के मौके पर चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने कहा था कि आर्मी पीओके को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आदेश मिला तो फिर हम भी पीछे नहीं देखेंगे। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने काबिलाई विद्रोहियों की मदद से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मौजूदा समय में पाकिस्तान ने पीओके को गिलगित और बल्टिस्तान दो हिस्सों में बांट रखा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।